कार्तिक विद्या की भूलभुलैया में फंस कर निकलेंगी चीखे, मूवी देखकर होगा भेजा फ्राई। मैं जेन्युइनली प्रमोशंस एंजॉय करती हूँ बिकॉज़ साल में मेरा एक फिल्म रिलीज होता है, कभी कभार दो फिल्में, तो तभी सब ये तो एक्साइटेड है। हाँ? आप ये इंटरव्यू आप चार बार और करो। पर सच बात है क्योंकि मैं आप सबसे मिलती हूँ साल में एक बार, उसके अलावा आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू टेक माई फिल्म टू पीपल। और जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके बारे में अवेयरनेस पहुंचे, आई थिंक वो जरूरी है। तो आई थिंक उसकी वजह से हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। हम दोनों की ऑफ कैमरा केमिस्ट्री देख के यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, मुझे लगता है ऑन स्क्रीन तो धमाल ही कर दिया होगा, आग ही लगा दी होगी। माधुरी और विद्या जी को देखने जाएं या विद्या और कार्तिक को देखने जाएं? थ्री है ना, सबको देखने, तो कार्तिक, माधुरी जी, मैं, फिर तृप्ति है। एक्चुअली ये बोनस है हमारी फिल्म में। हाँ। बहुत सारे बोनसेस हैं, बहुत सारे हैं। ऐसे करके वो भी कैमरा पे आता है। नहीं नहीं, बोनस कोई नहीं। राजपाल यादव, संजय मिश्रा, विजय राज, रुक जाओ ना यार। रुक जाओ ना, समझ गए समझ गए। आप थ्री बोल रहे, थ्री देखिए। हाँ, जब बीबी टू मेरे पास लेके आए थे तो मुझे समझ में नहीं आया। ऑफ कोर्स मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी, मुझे अच्छी भी लगी थी, पर मुझे लगा कि यार ये आई डोंट नो लोग कैसे रिसीव करेंगे। पर उसके अलावा मैं डर रही थी क्योंकि भूल भुलैया ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, मैं उसे गवाना नहीं चाहती थी, सच बात ये है। तो इसीलिए मैंने टू नहीं की। पर जब टू देखी, मुझे लगा कि अच्छा, बहुत अच्छे से ये मामला आगे बढ़ा है। और तभी फिर उसके बाद जब ये लोग मेरे पास वापस आए तो मैंने हाँ कर दी। यस, व्हेन आई सॉ द ट्रेलर I messaged him. Yeah, इन्होंने मैसेज किया था मुझे. And then I also posted the trailer. दोनों इन्होंने अपने deliverables पूरे किए. कार्तिक, what was your reaction the moment you know somebody like Vidya calling you up, appreciating your piece of work? अरे, it was really hilarious बोलना था. I was really happy when she reacted to the trailer and she texted me actually at that point of time. एंड वो कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन की तरह, बहुत स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन की तरह होता है जब, बिकॉज शी वॉज एसोसिएटेड विद पार्ट वन एंड इन्होंने ऐसा मैसेज डालना, और इट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार कितना, मतलब ये कैसे, इनके बारे में भी वो बहुत कुछ बोलता है, वो इनका जो मैसेज था, तो उससे मैं बहुत खुश हुआ था। और मैं एक्चुअली मैं तभी सोच रहा था यार ये थ्री जब भी बन रहा होगा, काश ये भी आए थ्री में। And it just happened. So, yeah, I got really happy when she texted during Bhulbhulaiya 2. जब साथ काम करने का मौका। अब जब टेक्स्ट करती हूँ तो यू नो टेक्स्ट का जवाब ही नहीं आता, यही होता है 2 से 3 के बीच। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। नहीं, मजाक कर रही हूँ। मतलब बहुत पॉजिटिव बज है, मतलब मेरे इससे पहले की मुलाकात हुई कार्तिक से, बहुत पॉजिटिव बज है जिस तरह से कैंपेन पूरा जा रहा है। अब मैं कल के गाने की बात करूँ, लोगों ने इतना, जिन्होंने लाइव आपको देखा वो एकदम जादुई था और बहुत 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 लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं विद्या आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपने उम्मीद की थी कि इतना लोग सराहेंगे, जबकि हमारे सामने एक फिल्म है, मतलब एक क्लैश हो रहा है फिल्म के साथ, लेकिन उसके बावजूद जहाँ एक इतनी बड़ी दुनिया है, एक इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, एक तरफ आप लोग हैं, लेकिन आपकी फिल्म के बारे में, इसलिए नहीं कि मैं रूबरू हूँ आपसे या मैं कार्तिक के रूबरू, वाकई में इफ़ यू आस्क यू नो 7 पीपल और 10 पीपल आउट ऑफ 10, 7 से क्या हमें, वी आर यू नो क्यूरियस टू सी द फिल्म। We're very grateful for that kind of excitement. I think, yeah, like I'm saying that I'm really back to have come back to Bhool Bhulaiya. मुझे पता नहीं था कि इस तरह से reactions आएंगे. Announcement के time से इतना excitement और buzz है. और फिर हमने जो teaser release किया, उसके बाद trailer release किया, हर चीज को लेकर इतना excitement build हुआ है लोगों में. And then yesterday, you know, his song, then our song. So I think hum log right track pe hain. And I just hope people come and enjoy the film because it is an enjoyable film. That's all. That's all. Very, yeah, very happy. We are actually really excited for the release. Because yeah.
मैं खुद एक्साइटेड हूँ देखने के लिए क्योंकि ये बहुत टाइम बाद एक एंटरटेनर आ रही है एंड ये प्रॉपरली सेट होती है दिवाली के टाइम जहाँ पर फेस्टिव मोड है लोगों का, फैमिलीज जाना चाहती हैं थिएटर्स में, इंजॉय करना चाहती हैं कॉमेडी को, हॉरर को एंड कहानी को. तो एक आई थिंक इट्स अ फुल ऑन होलसम एंटरटेनर है जो आ रही है इस दिवाली. जब मैं कास्टिंग की बात करता हूँ, कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. पहले आप आए या पहले माधुरी जी आई या उसके बाद विद्या जी आई, आपके लिए सरप्राइजेस कैसे आए? एंड बिफोर यू केम ऑन बोर्ड विद्या, व्हाट नो माधुरी जी पहले आ चुकी थी या बाद में? वो इनके बाद आई थी एक्चुअली. और मैं एक्चुअली कंटिन्यू हो रहा था रू बाबा का कैरेक्टर, तो मैं भूल भुलैया 2 के बाद 3 में था, ये पहले भूल भुलैया 1 में थी, ये तो मेरे पहले भी आ गई थी. तो ये बड़ा अजीब सा एक यूनिवर्स है जहाँ कौन पहले आया अंडा पहले आया या मुर्गी नहीं पता. बट 3 में एक्चुअली मुझे ये पता चल गया था कि हाँ विद्या जी आ रही है, और इन्हें पता चल गया था कि माधुरी जी आ रही है. दैट वॉज द होल पॉइंट एंड बहुत एक्साइटमेंट था. लास्ट नाइट आई जस्ट फेल्ट लव्ड बिकॉज यू नो इन अ मोमेंट लाइक दिस, स्पेशली फॉर समवन लाइक मी जिनको डांस से वैसे भी डर लगता है, फिर माधुरी दीक्षित के साथ आप डांस कर रही हैं और फिर आप स्टेज पे लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हो और फिर ऐसा कुछ होता है, तो यू नो मेरे लिए अजीब हो सकता था, पर आई एम ऑल्सो अमेज कि मुझे कुछ लगा नहीं, मैंने कंटिन्यू किया. तो आई फेल्ट एंड आई थिंक इट वॉज बिकॉज आई कुड सी, आप किसी एक इंसान को देख नहीं रहे होते हो जब आप स्टेज पे होते हो, पर आई कुड सी अनीस भाई एंड आई कुड सी भूषण एंड ऑल चीयरिंग मी, मनु द डीओपी एंड द चीयर फ्रॉम द ऑडियंस. आई थिंक आई डोंट नो एक्चुअली मुझे आई डोंट रिमेंबर व्हाट दैट मोमेंट वाज लाइक. आई जस्ट कंटिन्यूड, आई फेल्ट लाइक द शो मस्ट गो ऑन. और वो भी रियलाइज नहीं हुआ, हाँ मैंने कर दिया. फिर मैंने अपने आप से कहा कि हाँ शायद ये तो पहले मैं झूमा कूदा फिर ये कूदी वही वो वहीं पे थी इतनी झूमी कि कल गिर गई ये कल गिर गई वहाँ. ओह इट वाज अमेजिंग. आई वाज एक्चुअली नर्वस बिकॉज हमने पहले ही दिन हमारा गाना शुरू हुआ, तो आई वेंट एंड टोल्ड आई सेड कुछ गलती हुई तो प्लीज माफ करिएगा. तो शी सेड डोंट बी क्रेजी, हम लोग बस मतलब वी विल एंजॉय दिस प्रोसेस. एंड आई वाज लाइक फाइन. एंड ऐसे 4 दिन निकल गए, सो इट वाज ग्रेट. आई जस्ट थिंक देयर इज नो कंपटीशन फॉर माधुरी दीक्षित, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंपीटिंग विथ हर. शी इज द रीजन आई वांटेड टू बी एन एक्टर, टू बी शेयरिंग द फ्रेम विथ हर, टू बी डांसिंग विथ हर इज अ बिग ऑनर फॉर मी. इनसे बहुत सीखने को मिला, मुझे लगता है कि अगेन इन एक ईज है इनका इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ आप इंटरव्यूज में भी देख लो आप कैमरा पे, मैंने क्योंकि इनके साथ एक्ट किया है तो मुझे पता है जिस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन जब करते हैं बहुत ईज है. आई थिंक वो कंफर्ट और वो ईज आना कैमरा के सामने बहुत मुश्किल काम होता है. लोगों को अपने जैसे वो नॉर्मल हैं वो कैमरा के सामने लोगों तक ऐसे प्रेजेंट करना जो लोगों को पसंद आए और पैलेटेबल हो, वो इनमें है वो. एंड इट्स वेरी हार्ड टू लर्न दैट. बहुत सारी क्वालिटीज हैं पर मुझे लगता है कि कार्तिक बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और हर चीज़ को लेके सोचता है, अपने काम को लेके और फिल्म को लेके, उसको बेहतर कैसे बनाया जाए. ही इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग. मैंने आप कार्तिक से पूछे थे कि उन्होंने मुझसे क्या सीखा, मैंने मक्खी मारना सीखा. नहीं पर वो कभी झक नहीं मारते नहीं, और वो ना जैसे उनका सोशल मीडिया गेम भी जो है बहुत ही ऑर्गेनिक है, वो सतर्क रहते हैं हमेशा कि अच्छा ये तो बहुत फनी है ये हम मतलब करके. मेरा ना दिमाग ऐसे काम भी नहीं करता, सो आई एम लर्निंग एंड ऑब्जर्विंग एंड सेइंग वाओ, यू नो इसमें कोई फोर्स्ड वाली बात नहीं है एंड दैट्स व्हाट आई एम एंजॉयिंग ऑब्जर्विंग लर्निंग फ्रॉम कार्तिक. देखिए मैं ऑफकोर्स मैं एक प्रोड्यूसर से शादी हुई है पर मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ तो मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता, पर मुझे लगता है कि
अच्छा है, दो दो ऑप्शंस है लोगों के पास दिवाली के दिन, और दिवाली का वक्त ऐसा है कि सब फैमिली के साथ सब करना चाहते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है. हमारी फिल्म फैमिली एंटरटेनर है, वो मैं यकीनन आपको बता सकती हूँ. और बाकी मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि इससे लोग वापस थिएटर्स में आना शुरू करें, क्योंकि दो दो अच्छी फिल्में लगी है. उम्मीद तो यही है कि सबका फ़ायदा हो, क्योंकि उसमें हमारा भी फायदा है. थैंक यू नसीम. आपकी फिल्म लोग पसंद करें. थैंक यू.